नमस्कार। आज के लेक्चर का विषय है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मशीन। विंड मशीन एक वायु की ऊर्जा को कन्वर्जन करने की डिवाइस है, जिसको मुख्यतः दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मशीन और दूसरा वर्टिकल एक्सिस विंड मशीन। वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन या विंड मशीन को तीन और भागों में विभाजित किया गया है, सेवोनियस रोटर विंड वर्टिकल एक्सिस विंड मशीन, डेरियस रोटर वर्टिकल एक्सिस विंड मशीन और डेरियस रोटर विंड मशीन का ही एक वेरिएंट जायरोमील, जो कि सेम कंसेप्ट पे काम करता है। उसके बाद में आता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन के क्लासिफिकेशन। विंड टर्बाइन और विंड मशीन इंटरचेंजेबली यूज किया गया है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन को नंबर ऑफ ब्लेड्स के आधार पे मोनो ब्लेड, ट्विन ब्लेड, ट्रिपल ब्लेड्स, पावर आउटपुट के आधार पे स्मॉल कैपेसिटी, मीडियम कैपेसिटी और लार्ज कैपेसिटी, जहां विंड मिल की कैपेसिटी 500 से 1000 किलोवाट होती है तो वो, और रोटर डायमीटर 50 से 130 मीटर तक होता है तो उसे हम लार्ज कैपेसिटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अप विंड एंड डाउन विंड टर्बाइन, टर्बाइन जो कि जिसका फेस विंड स्ट्रीम को सामने से फेस करता है तो वो अप विंड टर्बाइन कहलाता है, जबकि रियर साइड से टर्बाइन पर विंड आती है तो वो डाउन साइड टर्बाइन कहलाता है। कंस्ट्रक्शनल डिटेल के आधार पे डच टाइप ग्रेन ग्राइंडिंग विंड मिल, मल्टी ब्लेड वाटर पंपिंग विंड मिल और हाई स्पीड प्रोपेलर टाइप विंड मिल। विंड मिल जो पर्टिकुलर पर्पज के लिए विंड मशीन काम में आती है उसे हम विंड मिल कहते हैं, जैसे वाटर पंपिंग के लिए अथवा ग्राइंडिंग के लिए तो उसे हम विंड मशीन न कहकर विंड मिल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मशीन के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बताए गए हैं, जिसमें सिंगल ब्लेड, डबल ब्लेड, ट्रिपल ब्लेड, मल्टी ब्लेड और विंड की डायरेक्शन के हिसाब से अप विंड टाइप की मशीन, जिसमें कि विंड सामने की ओर से जा रही है, और ये डाउन विंड टाइप की जिसमें फैन में पीछे की तरफ से विंड जाती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइप की विंड मशीन्स को हम इस लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे। मोस्ट विंड मशीन्स आजकल हॉरिजॉन्टल टाइप की काम में लेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन एरोप्लेन प्रोपेलर की तरह का होता है। एक विंड मशीन 20 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर की ऊंचाई की हो सकती है और इसका स्पान 200 फीट से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। जितनी ज्यादा बड़ी विंड मिल होगी उतना ही ज्यादा हवा उसके अंदर से पास होगी और हमें पावर ज्यादा मिलेगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन के अंदर विंड ब्लेड के परपेंडिकुलरली फ्लो करती है। टर्बाइन को लगातार सामने से हवा मिले इसके लिए एक या मैकेनिज्म इंस्टॉल किया हुआ होता है, जो हमेशा टर्बाइन की एक्सिस को विंड की दिशा के साथ पैरेलल रखता है। इसमें एनीमोमीटर लगा हुआ रहता है जो कि विंड की स्पीड को मापता है और एक विंड में वैन होती है जो कि विंड की डायरेक्शन को सेंस करती है और उसके हिसाब से हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर विंड को हमेशा ब्लेड के फेस के तरफ रखते हैं, फेस के परपेंडिकुलर रखते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन के एक स्केच बताया हुआ है। ब्लेड विंड को कैच करेगी और जनरेटर इसे मैकेनिकल एनर्जी में, जो ब्लेड की मैकेनिकल एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और K
केबल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन केबल्स के थ्रू जाएगी, कंप्यूटर सिस्टम होगा जो कि डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन का क्लोज व्यू दिखाया गया है जिसमें ये रोटर ब्लेड्स हैं, ब्रेक होते हैं अनयूजुअल स्थिति में रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सेंसर्स लगे हुए होते हैं, गियर होते हैं जो कि स्पीड अप करने के लिए, एसी जनरेटर होता है, एसी टू डीसी कन्वर्टर है, थ्री फेज इन्वर्टर है और हमें 60 हर्ज एसी मिलती है अपने को बिजली विंड मशीन से। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन वर्किंग प्रिंसिपल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन में एक रोटर शाफ्ट होती है जो कि विंड के पैरेलल डायरेक्शन में रहती है और हवा से पावर एक्सट्रैक्ट करती है। रोटर में वायु की गतिज ऊर्जा को ब्लेड्स घुमाकर प्राप्त किया जाता है और इससे एक टॉर्क उत्पन्न होता है। ये लो स्पीड शाफ्ट जो है एनर्जी गियर बॉक्स को देती है जो कि गियर बॉक्स हाई स्पीड शाफ्ट को एनर्जी ट्रांसफर करता है और वहां से जनरेटर को द्वारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और ये सारे के सारे एक नेसेल में प्रोटेक्ट रहते हैं। ब्लेड्स रोटर से कनेक्ट रहती हैं और रोटर शाफ्ट से कनेक्ट रहता है। शाफ्ट लो स्पीड शाफ्ट होती है क्योंकि हवा से ये धीमी गति से घूमती है, लगभग 10 से 20 चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से ये घूमते हैं। नेसेल में जनरेटर होता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इस इलेक्ट्रिसिटी को केबल के माध्यम से हम उपयोग के स्थान तक ले जाते हैं। ये एक और चित्र के द्वारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मशीन दिखाई गई है जिसमें नेसेल बताया गया है जिसमें कि तीन पार्ट होते हैं, रोटर हब, लो स्पीड शाफ्ट गियर बॉक्स और हाई स्पीड शाफ्ट और जनरेटर। जनरेटर, गियर बॉक्स और हब, ये तीनों के तीनों पार्ट नेसेल में होते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मशीन के बेसिक पार्ट्स, ये रोटर है और ये पिच यानी कि विंड मशीन की ब्लेड की डायरेक्शंस को हवा के हिसाब से चेंज करने के लिए, उनके ब्लेड के एंगल को बदलने के लिए दो स्पीड शाफ्ट, गियर बॉक्स, जनरेटर, कंट्रोलर, एनीमोमीटर, विंड मेन, नेसेल जिसमें कि ये सारे पार्ट इंक्लोज रहते हैं, हाई स्पीड शाफ्ट होती है या ड्राइव होता है जो कि इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के काम में आता है और टॉवर होती है, ये ब्लेड्स हैं। ये सारे पार्ट्स विंड मशीन के मुख्य मुख्य पार्ट्स हैं जिनको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। मुख्य पार्ट विंड एनर्जी सिस्टम के, रोटर विथ टू और थ्री ब्लेड्स विच कन्वर्ट द एनर्जी इन द विंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, गियर बॉक्स जो कि स्लो टर्निंग रोटर शाफ्ट को हाई स्पीड शाफ्ट को एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए, विंड टर्बाइन जनरेटर होता है, बहुत ऊंची एक टावर होती है। टावर को ऊंचाई इसीलिए बनाया जाता है जिससे कि विंड मशीन के पंखे की लंबाई बढ़ाई जा सके और दूसरा हाइट के ऊपर हवाएं ज्यादा गति से प्राप्त होती हैं। मजबूत फाउंडेशन बनाई जाती है जो कि विंड से अगेंस्ट मजबूती से खड़ी रह सके और सारे पार्ट्स को होल्ड कर सके। कंट्रोल सिस्टम होता है। अब सारे पार्ट्स का संक्षेप में वर्णन किया गया है। रोटर, हब और ब्लेड दोनों को मिलाकर हम रोटर कहते हैं।
विंड से ब्लेड्स घुमाई जाती है जो कि ड्राइव शाफ्ट को घुमाती है, फिर और रोटर के पार्ट्स हब ब्लेड और नोज कोन होती है जो आगे का हिस्सा होता है हब का, उसको नोज कोन बोलते हैं। हब लो स्पीड शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है और जो कि फर्दर गियरबॉक्स से जुड़ी हुई होती है। हब का फंक्शन रोटर ब्लेड और रोटर शाफ्ट को आपस में इंटरकनेक्ट करने का होता है। पिच ड्राइव विद मोटर, रोटर ब्लेड्स हब से पिच बॉल बेयरिंग से कनेक्ट की हुई होती है और पूरे परपेंडिकुलरली घूम सकती हैं, रोटेशन कर सकती हैं। पिचिंग सिस्टम की मोटर में एक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो कि माइक्रोप्रोसेसर द्वारा कंट्रोल होता है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल माइक्रोपिच मैकेनिज्म जो है 0.1 डिग्री तक की पिचिंग रिजोल्यूशन पे काम करता है और इससे एरोडायनेमिक प्रोफाइल की फाइन ट्यूनिंग की जा सकती है। पिच मोटर से टर्निंग या पिचिंग के लिए टॉर्क प्राप्त होता है। नेसेल के अंदर गियरबॉक्स, कंट्रोल पैनल, शाफ्ट मोटर्स और जनरेटर होता है। आधुनिक टरबाइन के अंदर, नेसेल के अंदर सर्विस पर्सनल अंदर तक जा सकता है। मेन शाफ्ट जो कि रोटर से बोल्टेड रहती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्क होती है, मेन शाफ्ट के दूसरे एंड पे गियर बॉक्स होता है। गियर बॉक्स हाई और लो स्पीड शाफ्ट को इंटरकनेक्ट करता है और 10 से 60 आरपीएम की स्पीड को 1200 से 1800 आरपीएम पे कन्वर्ट करता है, जिससे कि जनरेटर की उचित गति शक्ति उत्पादन के लिए प्राप्त कर सके। मेन बीयरिंग जो कि काफी प्रेसाइज होते हैं और पार्ट्स को हाई स्पीड पे मूव करने में हेल्प करते हैं। रोटर मेन शाफ्ट होती है जो कि हब और गियरबॉक्स को कनेक्ट करती है। या मैकेनिज्म के द्वारा हम रोटर एक्सिस को विंड के साथ अलाइन कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सकें। इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोलिक सिस्टम होता है जिससे कि मशीन को विंड के साथ अलाइन किया जा सके। या मैकेनिज्म विंड वेन की सहायता से विंड डायरेक्शन को सेंस करता है और इसमें इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती हैं जो कि नेसेल को घुमाती हैं विंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, टरबाइन की एक्सिस को विंड के पैरेलल बनाते हैं और ब्लेड्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। टावर जो है टाल ट्यूबुलर मेटल शाफ्ट होती है और इसमें 40 से 100 मीटर हाइट तक की टावर हो सकती है और इसकी स्ट्रेंथ इतने बनाते हैं जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा तेज विंड फ्लो के अंदर भी मजबूती से विंड टरबाइन को स्टेबल रख सके। जनरेटर जो कि काइनेटिक एनर्जी विंड की होती है उसको रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करके बिजली पैदा करता है। जनरेटर की कई डिजाइन होती हैं, एसी, डीसी और कई तरह की आउटपुट रेटिंग में मिलते हैं। विंड मशीन के अन्य मुख्य भाग हैं WTG ब्रेकिंग विंड टरबाइन ब्रेकिंग मैकेनिज्म। इसमें एरोडायनेमिक और मैकेनिकल ब्रेक्स होते हैं जिससे कि विंड टरबाइन को तेज आंधी की स्थिति में या तूफान की स्थिति में कंट्रोल किया जा सके। कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि विंड की स्पीड को सेंस करता है, उसकी डायरेक्शन को सेंस करता है, रोटर स्पीड, जनरेटर लोड और उन सब को उसी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए एडजस्ट करता है।
एनीमोमीटर के बारे में हम पिछले लेक्चर में विस्तार से पढ़ चुके हैं। एनीमोमीटर जब विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो टरबाइन को रोकने का मैसेज करता है, और जब विंड की स्पीड कम हो जाती है तब कंट्रोलर को मैसेज करता है कि अब विंड टरबाइन को पुनः चालू किया जा सकता है। विंड वेन हमेशा विंड की डायरेक्शन के हिसाब से पोजीशन रहती है, और इनमें स्मॉल सेंसर लगा हुआ रहता है जो कि कंट्रोलर को विंड की डायरेक्शन नोटिफाई करता है, और कंट्रोलर से या मोटर को मैसेज आता है जो कि नेसेल को विंड की डायरेक्शन में सेट करता है और ब्लेड्स विंड के परपेंडिकुलर हो पाती है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो कि सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स विंड टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए शामिल होते हैं इसमें, और इसमें किसी तरह की विंड टरबाइन के मेल फंक्शन को रोकने के लिए डिवाइसेज होती है। थैंक्स।